को लोक गायिका कहती हूँ, तो ऐसा थोड़ी है कि 4 दिन पहले मैं बोल रही थी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, शादी के बाद मैं बोलूँगी नहीं अब तो शादी हो गई तो सब खत्म हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो सारी चीज़ें पहले थी वो अभी भी जारी रहेंगी, हमेशा जारी रहेंगी, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी शादी हो गई। यूपी में काबा गाने से चर्चा में आई नेहा सिंह राठौर अब यूपी के अंबेडकर नगर की बहू बन गई है। नेहा सिंह राठौर की शादी महरुआ थाना इलाके के हीडी पकड़िया निवासी हिमांशु सिंह से 21 जून को लखनऊ में हुई। नेहा की शादी में ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो इसे देखते हुए दोनों परिवार के साथ ही कुछ खास लोगों को ही शादी में बुलाया गया था। नेहा सिंह राठौर उस समय चर्चा में आई जब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उनका गाना बिहार में काबा रिलीज हुआ। यह गाना पूरे बिहार चुनाव में धमाल मचाया और लोगों ने उसे खूब सुना। वहीं जब यूपी का चुनाव आया तो नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर यूपी में काबा गाने को गाकर धमाल मचा दिया था। उस समय लोग इस गाने को खूब सुन रहे थे और जमकर शेयर भी कर रहे थे। अब उनकी शादी हो चुकी है तो शादी के बाद अब नेहा राठौर अपने लोक गायन को क्या बरकरार रखेगी, आइए खुद उन्हीं से सुनिए। हम दोनों कब मिले थे हिमांशु? 2019-2018 में शायद, हाँ बुक फेयर में मिले थे हम लोग, वहाँ पे दिल्ली के प्रगति मैदान में मिले थे ना, तो वहाँ से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। इसके बाद हमारी बात होने लगी, फिर हम एक दूसरे को पसंद करने लगे और फाइनली 21 जून को हमारी शादी थी। को लोक गायिका कहती हूँ, तो ऐसा थोड़ी है कि 4 दिन पहले मैं बोल रही थी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, शादी के बाद मैं बोलूँगी नहीं अब तो शादी हो गई तो सब खत्म हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो सारी चीज़ें पहले थी वो अभी भी जारी रहेंगी, हमेशा जारी रहेंगी, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी शादी हो गई। क्योंकि हिमांशु दिल्ली में जॉब करता है तो हम लोग दिल्ली ही जाएंगे और अभी हैं यहीं हैं। नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने कभी यूपी के लोगों के बारे में नहीं कहा कि यूपी के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ एक चीज़ मैं बोलूँगी कि हाँ थोड़ा सा जो अलग लग रहा है, जो कि मुझे हमेशा से पता ही था कि होगा, भाषा की, क्योंकि हमारे यहाँ भोजपुरी बोली जाती है और इधर अवधी बोली जाती है ना, क्योंकि हिंदी तो सभी बोलते हैं लेकिन फिर भी तो हम लोग आपस में तो भोजपुरी में ही बतियाते हैं अपने बिहार में, इधर के लोग भी अवधी में बतियाते हैं, तो वो थोड़ा सा लगता अच्छा कन्फ्यूज़ हो गए मैं थोड़ी सी, का बोलत रहा ऐसे वाला है ना, तो बस बाकी सब बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। आपको बताऊँ मैं हिमांशु से शादी इसलिए भी कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, एक बंधन बांध दिया जाता है कि है ना फलाने अगर है ना ऐसे लड़के होते हैं हम तुमको ये नहीं करने देंगे वो नहीं करने देंगे। हिमांशु को मैं इसलिए पसंद करती थी, इसलिए उससे मैंने शादी की, क्योंकि हिमांशु मेरे काम को समझता है, वो मुझे समझता है, ठीक है। तो मैं तो सोई रहूँगी तो हिमांशु मुझे धक्के मार के बोलता चलो काम करो तुमको काम करना है। अभी इन दिनों जो चीज़ें चल रही हैं तो हिमांशु का यही कहना है तुम कब बोलोगी, तुम कब कुछ लिखोगी गाओगी, मैं बोलती हूँ हिमांशु आज नहीं कल, आज नहीं। अच्छा यूपी में काबा भी जब मैंने गाया तो मैं आपको सच्चाई बता, मैं आलस कर रही थी, ऐसा नहीं है कि मैं यूपी में काबा नहीं गाने वाली थी लेकिन मैं आलस कर रही थी, आज करूँगी कल करूँगी, आज लिखूँगी कल लिखूँगी। लेकिन हिमांशु मुझे एक नहीं होता है बार बार, क्योंकि हिमांशु दिल्ली में था मैं बिहार में थी, कॉल करके तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम अपने लोगों के साथ धोखा कर रही हो, तुम जनता के साथ धोखा कर रही हो, तुम तो कहती हो कि तुम लोक की आवाज़ हो, तुम लोक गायिका हो, तो तुम कहाँ क्या कर रही हो। अभी भी हिमांशु का हमेशा रहता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कार्य मेरा चेंज हो जाएगा, बस पल्लू करके बहू बन के मुझे रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बिल्कुल अपना काम